वित्त मंत्री की यह बैठक इस मायने में खास रही कि इसमें निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों ने भी हिस्सा लिया और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जरूरी उपायों पर चर्चा की। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने एक बार फिर से उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। 3 रेट कट्स ऑफ 25 बेसिस पॉइंट्स ईच फ्रॉम दिसंबर राइट टिल जून एंड सम पार्ट ऑफ इट हैज बीन पास्ड ऑन टू द कस्टमर्स whereas the banks had not passed on, I expressed a hope that over the next few days, and some of the bankers also felt that over the next few weeks they would be in a position to work out greater cuts. खेती बाड़ी पर पड़ रहे दबाव के बीच सरकार ने इस साल कृषि में निवेश बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही रुकी पड़ी परियोजनाओं को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार के नुमाइंदों के साथ बातचीत की तैयारी है। द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन कंसल्टेशन विद द बैंक्स प्योरली फ्रॉम द बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू विल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स विच आर स्टॉल्ड ऑन अकाउंट ऑफ रीजंस ऑफ फाइनेंस and therefore that is something which we directly deal with and both the secretary and even when necessary at my level will be calling for a meeting of the representatives of the state governments those projects and even concerned departments over the next few weeks and trying to resolve those projects 9 मई को लागू जन सुरक्षा योजनाओं के तहत अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बीमा सुविधा का लाभ उठाया है। वित्त मंत्री ने बैंकों की सेहत सुधारने के लिए सरकार की ओर से बैंकों में पूंजी डालने का भरोसा दिया है और एनपीए कम करने के रोडमैप पर काम करने की हिदायत दी। अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली।